सुनिए ना। हाँ? देखो उस छोटे सूर्य के पास अपनी गाड़ी है और हमारी दोनों बेटियों के पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ पर करिश्मा हमारे घर पर तो जगह भी नहीं है, कहाँ रखेंगे गाड़ी। बस बहाना मिल गया गाड़ी ना लाने का। तूने एक बाप को ललकारा है, अब ये बाप अपनी दोनों बेटियों के लिए गाड़ी ला कर रहेगा। काव्या रिद्धि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, जल्दी आओ। हाँ पापा क्या हुआ। देखो आप दोनों के लिए न्यू कार। अरे वाह कार, अरे वाह ये तो कितनी अच्छी कार है। अरे ये कार क्यों नहीं चल रही है पापा, पापा ये कार नहीं चल रही, देखो ना। हाँ पापा ये वाली कार भी नहीं चल रही है। क्या? हाँ मुझे तो लगता है आपको ना किसी ने बिगड़ी हुई कार दी थी, मैं उठी ना तो घर तक चला के लाती। बेकार कार लिया है। पापा प्लीज कार को चलाओ ना। हाँ पापा कार को चलाओ ना। अरे ये कार बेकार है बेकार। पापा ये कार को चलाओ ना। पापा ये कार चल ही नहीं रही है। अरे ये कार बेकार चल ही नहीं रही है। चुप रहो तुम सब, एकदम चुप रहो तुम सब। मैं तो बस ये कह रही थी कि कार खराब आ गई है तो। रुक मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा है। ये लो हमें तो इन कार वालों ने लूट लिया, अब इन दो दो कारों का हम क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे हम? मामा बस। मैं तो पहले ही कह रही थी आपसे कि ये कारवार हमारे बस की बात नहीं है, आप क्यों उठा के लाए ये कार, आखिर क्यों लाए? चुप रहो ना मम्मा। अरे घर में जगह भी नहीं है, ये तेरे पापा, आखिर क्या जरूरत थी ये कार लाने की? वो छोटे सूर्य की गाड़ी देख के मेरा मन हो गया ना इसलिए। ये लीजिए आपके पैसे और आज से आपकी ये दोनों कार मेरी। हाँ हाँ ले जाओ बिगड़ी हुई कार। मेरा सूरी तो इन दोनों कार को देखकर खुशी हो जाएगा, मैं अभी इनको भेजती हूँ कार ले जाने के लिए, ठीक है? जब इनको पता चलेगा कि मैंने कार को आधी कीमत में बेच दी तो ये मुझे शाबाशी देंगे। ये लो पैसे। पैसे कहाँ से लाए इतने पैसे? आप आम खाओ ना, गुठली क्यों गिन रहे हो? ये लो। ला दे। और हाँ ये ले। ये क्या है? उन दोनों कार के चार्जर, मैं वहीं शॉप पर भूल गया था। क्या चार्जर? हाँ अब जल्दी से दोनों कार को चार्ज पर रख दे, काव्या और रिद्धि खेल लेगी। अब मैं क्या करूं, मैंने तो कार पूजा भाभी को आधी कीमत में बेच दी। मैं काम करती हूँ उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ पैसे, पर पैसे तो मैंने उनको दे दिए, अब मैं क्या करूं?